सर सर लिफ्ट सर प्लीज सर। सर सजल पार्क तक जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज बैठिए। इस लड़की ने तो मेरा पत्ता ही काट दिया। एक्चुअली इन्होंने पहले कहा था। आइए बैठिए ना। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली एक बेचारी बरसात में भीगेगी, लोग गंदी नजर से देखेंगे, प्लीज। बेचारी सही कह रही है, बारिश भी होने वाली है, लिफ्ट की ज्यादा जरूरत है इसे। तो इसके लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ले जाओ ना। थैंक यू, ये पकड़ो। जरा पीछे सर को, इतना नहीं थोड़ा और पीछे सर को। अरे बॉस इतना नहीं, थोड़ा और पीछे सर को। हाँ ये लो मेरा बैग पकड़ो। सुनो पहला गियर आगे ही बढ़ता है ना। जब बरसात होती है तो मेरा मन करता है कि मैं बाइक चलाऊं। तो जब बरसात रुक जाएगी ना फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तक कितनी लड़कियों को बाइक के पीछे बिठाया है? माँ के अलावा और किसी को नहीं बिठाया। मैं पहली हूँ क्या? हाँ तुम पहली हो। कैसी बातें कर रही हो? सॉरी यार, मुझे लगता था लड़के जानबूझकर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन उसे लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। बाय। तुम यहाँ रहती हो? क्यों? कल से तुम मेरे चक्कर लगाना शुरू करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना तूफान जैसी हूँ और तुम छोटी सी झोपड़ी। तूफान से भिड़ोगे तो झोपड़ी उड़ जाएगी, लेकिन तूफान को कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? ओके बाय। तूफान तो है लेकिन बड़ा ही प्यारा है। क्लैरिटी नहीं है इसलिए ये सवाल शायद नहीं आएगा। तू जवाब दे बस। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेट ऑफ एविडेंस। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ CO2। दादाजी चाचा से वही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जो वो जानते हैं? दादाजी भी चाचा की तरह ही है, वो भी चाचा से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्हें आते हैं। लाइए मुझे दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? पापा ये कोई टीचर का इंटरव्यू नहीं है, DRDO के साइंटिस्ट का इंटरव्यू है, वो नहीं पूछेंगे। ठीक है पापा, बाय बाय। ऑल द बेस्ट सन। थैंक यू। जय हाँ एक मिनट ये रख लो, पेट्रोल भरवा लेना। ठीक है भैया। मंदिर में प्रणाम करते हुए जाना। अच्छा बेटा इसे टीका लगाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कितना लंबा हो गया है। ऑल द बेस्ट जय। थैंक यू भाभी। हमारे एग्जाम होते हैं तो डांट पड़ती है, उनका एग्जाम होता है तो मिठाई मिलती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? परफेक्ट मिस्टर जय, तुम्हें सेलेक्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। वैसे हम रिजल्ट्स की वजह नहीं बताते, बट वी वांटेड टू टेल यू, तुमसे ज्यादा उम्र के एक दूसरे कैंडिडेट को हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हारा सिलेक्शन इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोका जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक। जय कोई बात नहीं, टीचर के तौर पर मैं जितना कमा सकता था मैंने कमाया है, एक छोटा मोटा बिजनेस भी डाल दिया है, उससे गुजर बसर हो जाएगा। लड़की के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, उसकी शादी के लिए वो काफी है। अब ये ठीक है, इसे बेचा जा सकता है,
इस पैसे से तुम अपना पापा मुझे बुरा समझ लीजिए या जिद्दी समझ लीजिए, आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे नाकारा मत समझिए, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, एक रास्ता बंद हो तो उसके लिए दुखी नहीं हुआ जाता, नए रास्ते की तलाश की जाती है। I think bigger things are waiting for you in life. All the best. Thank you, Papa. Thank you, sir. जैसा तुमने कहा था, योगी ने किसी नॉर्मल सी जगह पर रहने का इंतजाम किया है। उसने 5 लोग ऐसे ढूंढे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फैमिली डिटेल्स हमारे पास हैं। अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी फैमिली की गर्दन हमारे हाथ में होगी। KN357 LJ546 वेपन्स के साथ GoPro कैमरास अरेंज कराओ। या आई विल टेक केयर। तो ये है DRDO का वो सिक्योरिटी सेटअप। इसके अंदर जाने के लिए या तो हमें एम्प्लॉय होना होगा या फिर डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल विजिटर। प्लान ए, हम में से कोई ऑफिशियल विजिटर बन के जाएगा। अंदर कहीं भी जाने के लिए वी नीड एन ऑल एक्सेस पास, और उस पास पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टैंप होना चाहिए। हमें कोई स्टैंप एक्सपर्ट ढूंढना होगा। इसमें कोई रेगुलर एक्सपर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 1950 में आइवरी हैंडल की लेदर स्टैंप होती थी, इट्स वेरी यूनिक। उसके बाद हर जगह रबर स्टैंप यूज होने लगा, पर इंपॉर्टेंट पेपर पर अब भी यही यूज होता है। इस स्टैंप को बनाने वाला एक आदमी रिटायर होकर अपनी दुकान खोल चुका है। योगी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आदमी यही चार मीनार के पास है, उससे बात करते हैं। सोमवार की सुबह वहां काफी भीड़ होगी, तभी उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे ट्राई करो। ओके सर। तुम दोनों इसे फॉलो करना। ओके सर। तुम एक सेल फोन लो। ओके। उसमें प्रीपेड सिम डालना। एक बार पास मिल जाए तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फॉलो कर रही हो? पहले मैंने बोला था, पहले मैंने बोला। भार्गवी जय, मैंने पूछा क्या? पेंटर हूँ मैं। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं करते? ओह, तो निकम्मे हो, कुछ तो बोलो। मैरिड हो? हाँ। I'm not looking young. How could you say that? ओह, मतलब बॉयफ्रेंड होगा ही। प्यार का चक्कर है? तो एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। हाँ? अरे वही, किसी के साथ भी बारिश में बाइक पर घूमना। अब से हम यही मिला करेंगे। Really? How romantic. मैं तुम्हें अपने परिवार से तब तक नहीं मिलवाना चाहता जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं हो जाती। How boring. मैं बोरिंग हूँ तो चली जाऊँ यहाँ से। वो जय है ना, वो दाढ़ी वाला जी, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। वो तुम्हारी लड़की के लिए सूट करता है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं जानता हूँ उसे। वो तो ठीक है सर, लेकिन उसकी फोटो भेज देते तो। अरे मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, 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 हाँ। इतनी जल्दी मत जाओ। फ्रेंच क्लास खत्म हो गई है मेरी ना, तो मुझे घर जाना है। कौन सी फ्रेंच क्लास? तुमसे मिलने के लिए मैं फ्रेंच क्लास का बहाना करके आती हूँ।
हाँ दादाजी। सुनो बेटा, कहिए ना। तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है, शाम के लिए बोल दूं क्या? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। मैं कल दुकान पे आता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। जय भारत स्टैम्प शॉप। जरा सुनिए, ये स्टैम्प बनाना है। ये तो सरकारी स्टैम्प है। मैं पुलिस में हूँ। स्टेट की पुलिस का सेना से क्या लेना? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं नहीं बनाऊंगा। ए सुन, पैसा दूंगा तो कोई भी बना देगा। ए, 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 अरे सुनो, ये गवर्नमेंट का कोई स्टैम्प बनवाना चाहता है, ये कोई धोखेबाज है। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। क्यों छोड़ दो? क्या करके भाग रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। और क्या किया तुमने? छोड़ दो मुझको, मैं कुछ नहीं जानता। जब मैंने इसे मना किया तो इसने धमकी दी कि किसी और से बनवा लेगा। किसके लिए बनवा रहा था? अपने सर के लिए बनवा रहा था। उसका नंबर दे, बता। 9912526277। ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर बता था, सही नंबर बता। बता किसने भेजा है? बता था कि तू और किसने भेजा है? छोड़ दीजिए सर। और